हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीमीटर के बारे में और ये ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं इस कोरोना काल में ऑक्सीमीटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अभी ऑक्सीमीटर मार्केट में मिल भी नहीं रहा है और जो मिल रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसकी एफिकेसी भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं आज ऑक्सीमीटर ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ये ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन के सेचुरेशन लेवल कितना है वो दिखाता है। आइए तो हम जानते हैं ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी हाई होता है तो ब्लड का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है। तो यही एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे ये जितने भी ऑक्सीमीटर है वो काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कन्वेंशनल ऑक्सीमीटर होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट की तरह काम में आता है। ये कन्वेंशनल ऑक्सीमीटर में इसलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी पहले से ये काम में आया है। ये ऑक्सीमीटर जनरली ईयर लोब में या तो फिंगर टिप में और बेबीज़ के केस में ऐसा टोज में यूज़ होता है। और ये काम कैसे करता है, ट्रांसमिसिव पल्स ऑक्सीमेट्री के बेसिस पे काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो इक्विपमेंट है ये रेड लाइट जनरेट करता है और जब हम इसको अपने फिंगर्स में लगाते हैं तो वो लाइट फिंगर के अंदर चला जाता है और कितना परसेंटेज ऑब्जॉर्ब करता है फिंगर, तो उसके बेसिस पे फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ये मशीन दे देता है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल काफ़ी कम है तो बहुत ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा, तो ये बेसिस पे फिर ये रिजल्ट दे देता है। दूसरे इक्विपमेंट होते हैं आजकल के स्मार्टफोन, जैसे मेरे पास अभी ये है, ये एक चाइनीज स्मार्ट वॉच है। ये कैसे काम करता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्टेंस पल्स ऑक्सीमेट्री के बेसिस पे काम करता है। ये क्या काम करता है, ये इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है बॉडी के अंदर और कितना परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है ये उसके बेसिस पे काम करता है। तो कहने का मतलब है कि कितना लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसके बेसिस पे ये रिजल्ट दे देता है। तो ये दोनों डिवाइस सुनने में, देखने में, समझने में एक ही टाइप का हमको लगता है, क्योंकि रिजल्ट भी ये परसेंटेज के बेसिस पे दे देता है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेंस पल्स ऑक्सीमेट्री है, जो अभी के जो जितने भी स्मार्ट वॉच है जैसे SPO2 करके वो काउंट दे देते हैं, ये अभी डेवलपमेंट फेज में है दोस्तों, ये इतना एक्यूरेट नहीं है। जो ट्रांसमिसिव पल्स ऑक्सीमेट्री है जो भी मेडिकल डिवाइस में आता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जब इसका क्राइसिस है तो हम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को काउंट करने के लिए जितने भी स्मार्ट वॉचेज है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी पर्पज़ के लिए। ये SPO2 काउंट करने वाले जितने भी स्मार्ट वॉच है बहुत सारे कंपनी के मार्केट में आते हैं, जैसे रियलमी हो गया, अभी शाओमी का भी आज लॉन्चिंग इवेंट है फ्लिपकार्ट के अंदर, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है वो ये फिटनेस वॉच और फिटनेस ट्रैकर लेके आते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। पहले जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं था तो लोग जनरली क्या करते थे, वो ब्लड सैंपल लेके उसमें फिर ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल चेक करते थे। लेकिन अभी ये नीड ऑफ द आर हो चुका है, अभी विदा टाइम में ये ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑन द गो ट्रैक करने का ज़रूरत है, इसलिए फिर हमारे पास ये पोर्टेबल ऑक्सीमीटर जैसे मार्केट में आया है और हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं तो अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।